दलाइलो नबुआ किताब है जी हजूर दी गैबी खबर होते हैं जिद नबी इस्लाम ने जो क्या वो पूरा हो गया भी हदीस है। मुस्लिम शरीफ लिखा कि अगर मैं किसी बदवा देवा तो दुआ बना दी नहीं सरकार नहीं लिखा यह लिखा कि अगर अहल ना हो फिर दुआ बना दी अगर अहल है तो बदवाई लगेगी वरना हजूर जिन्हों भी बदवा देने दुआई बन जाएगी जिसके कनूते नाजा बन गए दुआई बन जाएगी तो सरकार फिर तरीका है कि चेक कर लेने बाद कि जो हजूर ने बदवा दी कि खुदा पेट ना भरे तो उस तो बाद होना चाहिए अगर यह दुआ बने तो यह मतलब है कि इन्ना जहा खामण तो पेट भर जाए तो जे थोड़े अपने मुद्दसी नकल कर इतना इतना खाना वह बंदा खाए फिर भी वह भुखा ही रहे तो बदवाई लगी और खुद दलाइलो नबुआ किताब है जी हजूर की गैबी खबर होते हैं जिद नबी इस्लाम ने जो क्या वह पूरा हो गया भी हदीस है वह कह भी कर दी है हदीस दलाइलो नबुआ होता है कि नबी इस्लाम ने कुछ किया वो पूरा हो गया बस दलाइलो नबुआ चाहे कि अम्मार नू बागी जमात कतल करेगी हो गया दलाइलो नबुआ चाहे कि मेरी बीवी ते होंदे कुत्ते भौंकणगे हो गया यह भी होया ना और नाल रावी दे अल्फाज ने दलाइलो नबुआ और रावी कहता है कि हजूर की बदवा लग गई और मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरया फिर यह खुद रावी हदीस कह रहा है कि नहीं पेट भरया हूँ मैं क्या करा उन्होंने किसी दुआ बना देवा तो रह गया तिरमजी आदि और माधी अली वो सरकार छड़ दो इस तरह की कई दुआव ने ये दुआ करना वैसे तो उस रवायत उत्ते कलाम है उन्होंने मुद्दसी मुनकते मंदे ने कुछ सही कहने सही भी नहीं असन दर्जे तक उस तो घट दर्जे कुछ कहने सही मैं सही फल हाँ क्योंकि उन्होंने बाद आने वाले माल दसते हैं कि वह आदि उमादी नहीं सन मसलन मुस्लिम 4776 है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस काबे के साइज बैठे ने और दस रहे कि अमीर की ताद करो तो इकताबी अब्दुलरहमान बिन अब्दे रबे काबा कहता है कि तुम अमीर की ताद कह रहे हो क्या अल्लाह नबी ने वाकई फरमाया जो कुछ कह रहे उन्होंने कहा हाँ नबी इस्लाम ने मैं वेख्या मेरे कन्ना ने सुनया मेरे दिल ने गल याद रखी उन्होंने कहा फिर तो चचा का जो मुंडा है मुआविया बिन अबी सुफियान ये तो सानू कहता है लोगों को नाक कतल करिए और माल इन्हों का आराम तरीके हड़प करिए और कुरान सूरह निसाए नंबर 29 कहता है कि आराम तरीके माल ना हड़प करो और एक दूसरे नाक कतल ना करो उसी अल्लाह की गल मनी है मुआविया की खामोश हो गए उन्होंने शक पै गया इन्हें किधर इंजीनियर वेख लिया हालांकि इंजीनियर उस जमाने चाहिए नहीं सरकार फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुआविया की इताअत सिर्फ उन्होंने कमें करो जी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ने और जिते तुम अल्लाह के खिलाफ चलाए तुम वे खिलाफ चलो हूँ मन दसो हराम खोरी और कतलो गारत ना हक इस तो वे को गुनाह हो सकते हैं तो जिस शख्स दुआव लगिया होवन ए जिंदगी का करैक्टर होंगे मैं मतलब ये तो बोल सकना मैं पूरा करबला रिसर्च पेपर लिखा लेकिन असं रावजियार उन्होंने मुनाफिक नहीं कहते असं कहने रजी अल्लाह ठीक है लेकिन यह गल इस वास्ते करने कि उन्होंने किरदार का हिस्सा है फिर सब तो वड बुखारी मुस्लिम की हदीस है 28:12 तख्तुल हुल्फी अतुल बागिया वही हा मार तख्तुल हुल्फी अतुल बागिया यदउहुम इलल्लाह व यदउनहु इलन्नार अफसोस है मार तुम्हें बागी जमात कतल करेगी तू उन्होंने अल्लाह और जन्नत तरफ बुला रहा है वह जमात जन्म की तरफ घसीटेगी तो फैसला कर लो कि जिस जमात को हुजूर कहण के बागी है और बागी तो मुराद इस्लाम तो बागी नहीं पॉलिटिकल हजरत अली के खिलाफ बगावत की थी खलीफे वक्त को छोड़ा ना जी तो दूसरा जन्म की तरफ बुला जन्मी नहीं यानी ए अमल जन्म ले जाने वाला है बाकी अल्लाह की मर्जी अल्लाह तला माफ करे उन झूठे को असी जन्मी तो नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने कह सकते हैं तेरा अमल जन्म की तरफ लै जाने वाला है बाकी अल्लाह की मर्जी ठीक है और मुसनद अहमद उपर तले 4 हदीसा मौजूद ने जी क्रिटिकल ने और तुरुक तो कई ने उन्होंने 4 हदीसा के कि अबुल गादिया को वो काम होया पूरी जिंदगी पछताते सन कि मेरे को कतले मार होया और बल्कि उत्थे रवायत यह भी है कि मार दा कातिल और माल लुटने वाला जन्म दिया गया और शेख अलबानी ने सिसरे हदीसे सही है 2008 नंबर हदीस ली है उन्होंने कहा कि अगरचे अबुल गादिया सुलह हुदैबिया दा साहबी है लेकिन फजीलत उठ गई उस तो क्योंकि मार दा उन्हें कतल किया और जमात भी जन्म तरफ बुलाने वाली है तो यह हजरत अली दे आके चीज़ा ने यह बयान करांगे ये प्रोफेसीज ने यह तो दलाइलो नबुआ के अंदर भी मौजूद ने तो हजरत अली के मुकाबले असं उन्होंने आखते नहीं मनते ठीक है चलो तुम इतादी खिता कहना इतादी कह लो जबरदस्ती की कहना जबरदस्ती कह लो और फिर मैं इन्होंने मुलवटियां पूछना कि तुम अपने अब्बे की खबर क्यों नहीं लेंदे मुला अली कारी ने कतले मार अली हदीस के थले लिखे है मिरका मिशका की शरह उन्हें कह के एक कतले मार अली हदीस जी है ना इस हदीस तो बिल्कुल चीज वाजे हो गई कि हजरत मुआविया ने सिर्फ खूने उस्मान को अपनी ढाल बनाया अंदरों उन्होंने लालच से कि वह खुद खलीफा बनना चाहते हैं मुला अली कारी कह रहा है सरकार लाओ दे फतवा इस भाभी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और दो बंदी तो इन समझ लो अल्लाह रसूल और इमाम हनीफा तो बाद दो बंदे वड्डे ने इन्हें एक बदरुद्दीन ऐनी भी दसना वा और एक मुला अली कारी ठीक है तो उन्हें क्या इन्हें अगे ना एक समझ लो पर्दा रखे हुआ मैं ढकोसले का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता पंजाबी तो यही चीज़ है लेकिन चलो फिर कह देंगे सख्त हो गया दूसरा उन्होंने कहा कतले मार ली हदीस ने ना इस दड़ा एक अंदर से ना वो बाहर जाहिर करता कि यह बागी सी ठीक है जी फिर उन्होंने तीसरा क्या कि इस अमल ने इन्हें चाहिए कि तौबा कर लेता उस स्टार्ट ही तो लिया कि कतले मार तो बाद हजरत अली बैत करके तौबा कर लेनी चाहिए अपने काम तो लेकिन इन्हें नहीं की और हदीसे मार ने
नंगा करता लोगों ने सामने के इन्हें पीछे एक सामने एक पॉलिटिकल गेम है सारी, ये यानी मुल्ला अली कारी कह रहे हैं। और इस हदीस ने उसकी बगावत जाहिर कर दिया और अफसोस इस दे इस अमल नाल कुरान और सुन्नत दो माजूर हो गए। इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीमात में अपनी पिठ के पीछे छोड़ दिया। ये मामू के बारे लिखा है मुल्ला अली कारी ने, फिर एंड लिखा है लेकिन सानू चाहिए कि अपनी जुबान बंद रखिए। सरकार बंद ही ने असी बस इतना कह रहे नहीं बोलिया, तू घाटी बोल के जुबान बंद करने तो मुल्ला अली कारी एड्डी खोल के गया जुबान, ठीक है ना। और फिर भी राही मौला जी और बदरुद्दीन नैनी अनफिया का इस तू भी पहले उन्हें लिखा कि कहते नहीं कि जी ये अजम माविया भी कजर मिलेगा चूंकि वही मुश्तई सन। सरकार कहानी करानी बंद करो, बुखारी मौजूद है। हाकिम अगर इस्तेहाद करे और सही हो तो 2000 और अगर गलत हो तो 1, यानी अगर हजरत अली नाऊद बिल्ला अपनी जंगा गलत लड़ दे जंगे जमल सिफीन अरवान तभी एक अजर मिल जाता और सही लड़िया ने उन्होंने 2000 मुखालफीन के अजर का तो जिक्र ही कोई नहीं है, फिर खवारिज भी एक अजर मिलेगा क्या? खुदा का नाजे कि गल कर रहे हो। तो बदरुद्दीन नैनी ने कहा कि ए अलामा किरमानी ने कोलों ही गल लिख छड़ी है, ठीक है। ए इंज नहीं होता, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पता लग गया कि हजरत अम्मार शहीद हो गए और मुसरत अहमद जी उन्होंने दसिया अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और अमर बिन आस ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन्हें दसियो लोगों को गल, तुम अपने पेशाब ही स्लिप पे होंगे अल्लाह बंदे हो, लोगों को पता लग गई तो लोग अली मिल जाएंगे। ये तो अली ना लैके आता तो ना ना हो कतल होता। फिर हजरत अली ने फकी दी थी, अच्छा फिर हजरत हमजा के कातल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिया ना वो कतल होता। कोई जिदे हाकी च लड़ता है तो वो हाकी चू समझता है ना, ये तो नहीं होता कि उन्हें उन्होंने मार दिता इस वास्ते कि वोदी तरफों आया तो साढ़े को गलती मारा गया। तो बदरुद्दीन नैनी ने लिखा कि मुआविया क्या इस गल से राजी नहीं कि अल्लाह इन्हें बराबर छोड़ दे बजाय दे के एक अजर दे। सिंपल ये हदीसा ने जो बुखारी मुस्लिम लिखिया ने, लेकिन इन्हों के पता कि सिर्फ रफाई दैन की हदीसा नहीं निकलनियाँ, यह भी निकल आएगा। तो यह तो इस टॉपिक पर मैं बहुत कुछ बोल चुका, फिर यह एक पूरी लादा तो नशिश चाहिए है। मेरी उर्दू इस काफ़ी सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड है, तुम देख लो मेरा करबला रिसर्च पेपर पढ़ लो, सब कुछ निकल आएगा उस।